आपको बता रहा हूँ, उसको वाइल्ड वुल्फ ने बोलता बोलने के लिए कि भाई प्लीज तू बोल दे कि रिकॉर्डिंग एडिटेड है वरना मेरे व्यूज डाउन हो जाएंगे ये वो। तो वो रिकॉर्डिंग एडिट नहीं थी, ठीक है, जो मैंने कल बोला यार वो बोला यार किसी रीजन से मैंने बोला है वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग एडिट नहीं है। पर एक टाइम पे तुम मेरे भाई हो जैसे थे, तुमने उस भाईचारे को नहीं याद रखा, तुमने माँ के हाथों का वो खाना याद होना चाहिए। ब्लॉग देखेगी कि फिर हम फहीम को डिफेम कर रहे हैं, फहीम को जानबूझ के गलत साबित कर रहे हैं, तो वो आंटी क्या सोचेगी, आमिर की उसमें गालियां देगी तो आमिर को मुंह पे भाई भाई। पहली बात तो अगर आमिर भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो भाई आप बढ़िया होंगे। सो गाइस मैं भी आज थोड़ा सा ठीक हूँ, दवाई वगैरह टाइम पे खा रहा हूँ एंड थोड़ी बहुत रिकवरी है। बट गाइज आज दिन में बहुत सारे इंसिडेंट हुए मेरे साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। पहले तो क्या हुआ आपको पता, मैं लेट वगैरह नहीं पाता तो मैं ना थोड़ा सा ऐसे था एंड 3-4 दिन का सोया नहीं हूँ तो मेरा हल्की सी आँख जैसी लग गई थी ऐसे बैठे बैठे। तो पीछे मेरे मतलब ना मेरा शराना था, तकिया भी कह सकते हो जो भी, मतलब पीछे वो था, तो उसके साथ मेरा ना कमर थोड़ा सा रगड़ हुआ तो जो मेरी स्किन है वो वहाँ से उठ गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा गंदी पेन हुई। इस पर मेहरा भाई वगैरह ने फिर उसको क्लीन किया एंड मेडिसिन वगैरह लगाई है एंड डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने मेरी पाँव की भी ड्रेसिंग वगैरह चेंज की जिसे क्लिप्स में आगे शेयर कर दूंगा। और गाइस एक और ज़रूरी बात, आपको पता है कि वाइल्ड वुल्फ की मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी क्योंकि वो अपनी ही थ्योरी बना के एक्सप्लेन कर रहा था और अभी कल के व्लॉग में उसने कहा है कि मुझे डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, जबकि मेरी तरफ से कोई भी वाइल्ड वुल्फ का कॉल नहीं गया है। अगर वाइल्ड वुल्फ ये व्लॉग देख रहा है तो भाई कम से कम खुदा का खौफ खा के झूठ मत बोला करो यार, तुम चंद व्यूज़ के लिए क्यों इतना गिर जाते हो, तभी तुम लोग कामयाब नहीं हो। तुम्हारे बात स्टार्ट किया था ना वो सब तुमसे आगे इसीलिए हैं क्योंकि तुम किसी के सगे नहीं हो, तुम किसी का अच्छा नहीं चाह सकते हो, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो और झूठ लोगों तो खुदा भी साथ नहीं देता, तो फिर कोई इंसान क्या ही साथ देगा तुम लोगों का। बाकी रही बात उस रिकॉर्डिंग की, वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल सच है। मैंने कल दानू की मम्मा वगैरह को फ़ोन किया था, उनसे बात हुई मेरी दानू वगैरह से, तो उसका और मेरे झगड़ा मैंने आपको कल के व्लॉग में भी कहा, वो मेरा अपना है यार, वो हमारी अपनी पर्सनल बात है, वो मेरे छोटे भाई जैसा था तो वो मेरी अपनी पर्सनल बात है, तो उस चीज़ को साइड पे रखते हुए मैंने उनसे बात की कल। उन्होंने मुझे बोला दानू ने कि भाई मेरे को वाइल्ड वुल्फ ने बोला था वो सब बोलने के लिए कि वो रिकॉर्डिंग फेक है, मतलब एडिटेड है। आज दानू ने अपने व्लॉग में खुद कबूल किया है कि वो रिकॉर्डिंग एडिटेड नहीं थी, आप जाके दानू का व्लॉग चेक कर सकते हो। मैं दानू ने कल इसलिए ये बात बोली थी कि वो रिकॉर्डिंग एडिटेड है क्योंकि वाइल्ड वुल्फ ने उसको बोला था बोलने के लिए एंड दानू ने उसके भाईचारे में बोल दिया। बट दानू को अब जब मेरी बात हुई, दानू ने बोला कि नहीं यार ये गलत कर रहा हूँ आपके साथ, दानू को भी इस चीज़ का एहसास हुआ, चलो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दानू को एहसास हुआ, मैं सच बोल दिया कि वो रिकॉर्डिंग एडिटेड नहीं थी। बट वो अपने व्लॉग में वाइल्ड वुल्फ के खिलाफ नहीं बोला क्योंकि वो वाइल्ड वुल्फ को भी भाई मानता है, तो इसलिए उसने अपने व्लॉग में ये बात नहीं बोली कि उसको वाइल्ड वुल्फ ने बोला था बोलने के लिए। बट ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसको वाइल्ड वुल्फ ने बोला था बोलने के लिए कि भाई प्लीज़ तू बोल दे कि रिकॉर्डिंग एडिटेड है वरना मेरे व्यूज डाउन हो जाएंगे ये वो, तो भाई बिल्कुल फेक बंदा है वाइल्ड वुल्फ। भी मैं क्लिप शेयर कर देता हूँ यहाँ पे जो दानू ने अपने व्लॉग में बोला है कि मतलब वो रिकॉर्डिंग फेक वगैरह नहीं थी, वो कोई एडिटेड नहीं थी, तो वो रिकॉर्डिंग भी चेक कर लो आप। वो रिकॉर्डिंग एडिट नहीं थी, ठीक है, जो मैंने कल बोला यार वो बोला यार किसी रीजन से मैंने बोला है वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग एडिट नहीं है। जो वो रही रिकॉर्डिंग की बात, मैं फिर से उस बात पे आता हूँ, वो रिकॉर्डिंग सच है, जाओ और फहीम भाई से बात करो। तो आज का व्लॉग, तो जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया होगा कि दानू ने बोला कि वो रिकॉर्डिंग एडिटेड नहीं है और दानू बोल रहा है मैंने किसी रीजन की वजह से बोला, तो दानू वो रीजन नहीं बता पा रहा कि उसको वाइल्ड वुल्फ ने बोला था क्योंकि वो वाइल्ड वुल्फ के साथ भी अपना भाईचारा खराब नहीं करना चाहता, बट वो रिकॉर्डिंग एडिटेड नहीं थी। और जिसको अभी भी डाउट होगा तो मैं फुल रिकॉर्डिंग भी डाल सकता हूँ, और उसके बावजूद भी जिसको शक है तो भाई मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मैं पूरी रॉ रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, मेरे को वो डर नहीं है। अगर वाइल्ड वुल्फ भाई, तो अगर आप अपने आप को सच्चा बनाना चाहते हो ना तो कम से कम सच्चा होगे तो बनोगे, अगर झूठे हो तो कभी आप सच्चे नहीं बन सकते। बाकी मुझे आपसे कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है, ना मेरे साथ कोई कॉन्ट्रोवर्सी करो, कॉन्ट्रोवर्सी के मामले में मैं बहुत बुरा हूँ, फिर वो गलत हो जाएगा, मैं फिर पूरी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा और भी जो जो आपने बोला है मैं वो सब चीज़ें डाल दूंगा, फिर वो चीज़ गलत हो जाएगी, इसलिए मेरे को रिप्लाई वगैरह मत दो, बेहतर आपके लिए भी, और मैं भी इस कॉन्ट्रोवर्सी को खत्म कर चुका हूँ परसों का, तो इसलिए मुझे अब इस चीज़ में और मत घसीटो। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस कॉन्ट्रोवर्सी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो उनको भी मैं यही कहूँगा कि मुझे तुम्हारा ना तो नाम लेना है ना तो तुम्हें रिप्लाई करना है। पर एक टाइम पे तुम मेरे भाई हो जैसे थे, तुमने उस भाईचारे को नहीं याद रखा, तुमने मतलब मेरे घर पे आके खाया है, मैं खाना नहीं गिना रहा हूँ, बट तुम्हें कम से कम मेरी माँ के हाथों का वो खाना याद होना चाहिए था कि यार जब आंटी हमारा ब्लॉग देखेगी कि फिर हम फहीम को डिफेम कर रहे हैं, फहीम को जानबूझ के गलत साबित कर रहे हैं, तो वो आंटी क्या सोचेगी। बाकी तुम लोगों की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास पड़ी है, तो मेरे को उंगली मत करो, मैं तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो
तो जो आमिर की ऑडियंस अभी तुम्हें सपोर्ट कर रही है ना, जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको शायद समझ आ जाएगी, तो वही आमिर की ऑडियंस में गालियां देगी। तो आमिर को मुंह पे भाई भाई, पहली बात तो अगर आमिर भी मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो भाई अपने आसपास के बंदों को ना कम से कम ढंग के बंदों को साथ लेके चलो, क्योंकि जितने भी बंदे तुम्हारे साथ है ना सब तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें ही गालियां दे रहे होते हैं। तो मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे को इसलिए जो बंदा भी मेरे पे वीडियो बना के बात करेगा ना तो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है भाई, मैं अगले दिन डाल दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि तुम्हें आमिर ने छोड़ दिया, तो इसलिए मेरे को उंगली मत करो, अपने खुश रहो, मुझे भी खुश रहने दो। अभी ना मैं अपनी क्लिप्स वगैरह शेयर कर देता हूँ मेरे जो आज दिन को मतलब डॉक्टर साहब आए थे। एंड देखो इस वो कैंची होती, मैं इसको काटता यार। किसको? आगे रहना। किसको काटते आपको? हेलो हेलो बोलो। ये मैंने उनको कहा था कि मेरी ड्रेसिंग ना ओपन रहने दो, उन्होंने कहा नहीं प्लस्तर है। मैंने बोला प्लस्तर वाली जगह को छोड़ के जो जहाँ पे मेरे को जख्म है वो वाली जगह पे आप मतलब खुला रहने दो, बट उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए फिर मतलब अब मुझे मतलब मैंने ड्रेसिंग वगैरह चेंज किया, अब मुझे 3 दिन बाद फिर से ड्रेसिंग वगैरह चेंज करनी है। बस दुआ करो कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा रिकवर हो जाऊँ एंड थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ और चलने फिरने लगूँ। बाकी गाइज दुआ तो मुझे पता आप सब लोग कर रहे हो एंड आप सब ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं मेरे सपोर्ट में, उन सबको दिल से शुक्रिया। जिनको पता है मैं सही हूँ उनको मतलब दिल से प्यार है, और जो मुझे जानबूझ के गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो भाई तुम्हें ऊपर वाला खुद देख लेगा। खुदा को जवाब तुमने भी देना है, मैंने भी देना है इस दुनिया में, तो तुम अपने आप को सच्चा साबित कर लोगे, खुदा के सामने कैसे करोगे? तो मेरी इतना सही मैं कहूँगा। बाकी गाइज आप लोग भी खुद भी डिसाइड कर सकते हो, जिनको जो समझ आ रहा है उनको पता है कि किसी गलती है। बाकी जो बेवकूफ़ हैं जिनको खाली कुछ बंदे दिखते हैं उनको आगे उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो उनको मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, ऊपर ऊपर वाला देखने वाला है तो वो खुद देख लेगा तुम्हें। रोजे मैशर के दिन तब उसको जवाब देना कि नहीं भाई यहाँ पे फहीम ने ऐसे किया था, वहाँ पे फहीम ने वैसे किया था, तो उसको जवाब देना। ठीक है, आज का ब्लॉग इतना सही था। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।